Hello everyone, welcome in your favorite subject industrial hydraulics and pneumatic, subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 5, hydraulic circuits. Topic number 1, hydraulic circuits for single acting cylinder, double acting cylinder and air motor. Lecture number 24, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as construction of hydraulic circuits of single acting cylinder, double acting cylinder and air motor. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct hydraulic circuit of single acting cylinder, double acting cylinder and air motor. Program outcomes. After completion of this lecture, you are able to map the following program outcomes by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last lecture. So, last lecture mein humne dekha construction and working of pneumatic valves in unit number 4. आइए देखते हैं जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर आते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हमें इस फिगर में शो हो रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो टैंक है जो क्लोज लूप से जिसके अंदर फिल्टर माउंटेड है इसको हम बोलते हैं टैंक, जिसमें हमारा फ्लूड स्टोर रहेगा. तो हाइड्रोलिक सिस्टम है तो बेसिकली हमें लिक्विड सिस्टम ही यूज करना है. लिक्विड फ्लूड जो रहेगा वही हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल लेआउट. तो अभी हम देखते हैं लेआउट, हाइड्रोलिक फ्लूड को हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्टोरेज टैंक. स्टोरेज टैंक में हमारा लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑयल यूज हो सकता है, पर हम यहाँ पे सिर्फ ऑयल यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करते. इसको हम लैटरली डिस्कस करेंगे. तो ये लिक्विड को ऑयल को हमें फिल्टर करना पड़ेगा कंटेमिनेशन रिमूव करने के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर. तो जबकि हमें पता है कि पंप लोअर साइड से हायर साइड तक फ्लो नहीं करता, ठीक है, हमारा जो फ्लूड है वो ऑटोमेटिकली लोअर टू हायर साइड मूव नहीं होगा. तो इसे हमें प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और ये प्रेशर जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ पंप. तो पंप क्या करेगा, टैंक के अंदर का ऑयल सक करेगा और उसको प्रेशराइज करके सेकेंड डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो ये पंप जो रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग एंड ये मोटर से कनेक्टेड रहेगा और मोटर जैसे स्टार्ट होती है तो पंप रोटेशन स्टार्ट होगा और हमारा ऑयल लिफ्ट होगा लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर और ये प्रेशराइज ऑयल जो जाएगा हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में. जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रहेंगे ये हमारे फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करेगा और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है. उसके बाद ये जाएगा हमारे एक्चुएटर में, दैट इज अ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट. जैसे ही ये इनसाइड से जाएगा तो पिस्टन यहाँ से मूव होके ये पिस्टन रॉड यहाँ से बाहर निकलेगा. तो ये हमारा हो जाएगा एक मोशन. जैसे ही यहाँ से हम मोशन देंगे तो ये यहाँ का जो फ्लूड जमा है पिस्टन एंड सिलेंडर में ये रिटर्न लाइन से कंट्रोल से हमारे फिर से टैंक में आएगा. यही ऑयल फिर से रिसर्कुलेट होके फिर से सिलेंडर में जाएगा. तो ऐसा हमारे पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट चलता रहेगा. दैट इज अ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो ये जो डायग्राम है हमारी जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम की, ये ब्लॉक डायग्राम से हमने शो की है. तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये ब्लॉक डायग्राम हम एक्चुअली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड. तो आइए देखते हैं, जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था तो इसी फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम देखा था पर हॉरिजॉन्टली देखा था, यहाँ पे वर्टिकली है. तो यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सिंबल्स ऑफ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो फिल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस फिल्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड लाइन विद डॉटेड लाइन, दैट्स कॉल्ड एज अ फिल्टर. देन यहाँ पे जो पंप शो कर रहे हैं, पंप हमने ब्लॉक डायग्राम में डायरेक्टली रेक्टेंगुलर और यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया. तो पंप होगा हमारा सर्कल विद ट्राइंगल एंड ट्राइंगल जो रहेगा हाइड्रोलिक सिस्टम में फिल रहेगा, ये मोटर से ड्राइव होने की वजह से कनेक्टेड टू मोटर. देन दैट इज अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व. प्रेशर रिलीफ वॉल्व का क्या फंक्शन है हमें लैटरली जब हम कंट्रोल वॉल्व पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करेगा, जब भी सिस्टम का एक्सेस प्रेशर होगा उसको रिलीफ करने का काम करेगा. इट इज वन ऑफ द सेफ्टी डिवाइस इन हाइड्रोलिक
सिस्टम। देन दिस इज ए डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, तो दैट्स 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। दिस इज फ्लो कंट्रोल वॉल्व सिचुएटेड इन दिस ब्लॉक डायग्राम, दैट्स फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ इंडिकेटर चेक वॉल्व शोन इन दिस फिगर। डबल एक्टिंग सिलेंडर शोज बाय द टू डायरेक्शनल पोर्ट्स ए एंड बी कनेक्टेड एंड सेंटर इज ए पिस्टन एंड पिस्टन रॉड अरेंजमेंट। दैट इज ए सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। यू हैव टू प्रिपेयर बोथ डायग्राम्स इन एग्जाम बिकॉज ब्लॉक डायग्राम एवरी एग्जामिनर इज ए डिफरेंट एंड दे हैव टू थिंक इन डिफरेंट वे। इफ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन जनरल लेआउट और डिस्क्राइब जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, देन यूर आंसर इज ए बोथ ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट विथ सिम्बॉल्स एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट फंक्शन इन जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये हमारा जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। जैसे कि इसका नाम बोला है सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर, हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन करना है। हाइड्रोलिक सर्किट बोले तो आपको रिजर्वायर, फिल्टर और पंप यूज करना पड़ेगा विद प्रेशर रिलीफ वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। तो जब आप सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर यूज करते हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनलेट साइड में एक ही पोर्ट है, सेकेंड पोर्ट नहीं है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3/2 या 2/2 की डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे 4/2 लगाया तो यहाँ पे ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो अभी ये जो डायग्राम दी है ये कौन से पोजीशन में है, यहाँ पे है ये रिटर्न पोजीशन में। जैसे कि हाइड्रोलिक फ्लूड जो आ रहा है तो पंप का जो कनेक्शन है वो क्या है, क्लोज है। पंप का कनेक्शन क्लोज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशराइज फ्लूड प्रेशर रिलीफ वॉल्व के थ्रू डायरेक्टली टैंक में जा रहा है और यहाँ से जो फ्लूड आ रहा है ये रिटर्न टू टैंक है। तो ये रिटर्न मोशन है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपको जैसे कि मैंने बताया सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जब भी रहेगा तो आपको यूज करना है 2/2 या 3/2 डीसी भी, उसके अलावा 4/2 या 4/3, 5/2, 5/3 ये वॉल्व यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं जब हमने फॉरवर्ड मोशन करना है ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे, तो मैं जो यहाँ पे रेड लाइन आपको दिख रही है ये है इसका कनेक्शन। तो इस टाइम पे ये वॉल की जो पोजीशन रहेगी ये क्लोज हो जाएगी, यहाँ से ये क्लोज है और यहाँ से जो फ्लूड जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट साइड ऑफ डीसीवी। तो यहाँ से जो फ्लूड जा रहा है पंप से लेके डायरेक्टली जा रहा है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से, नेक्स्ट जाएगा वो एक्चुएटर में सिंगल एक्टिंग के। तो इससे फ्लूड कहाँ होगा, यहाँ पे जमा होगा और यहाँ पे जमा होने का जो फ्लूड है ये पिस्टन को मूव करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे मोशन आएगा फॉरवर्ड मोशन। और ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो टैंक का कनेक्शन है, यहाँ पे जो टैंक का कनेक्शन था वो ओपन था तो फ्लो डायरेक्शन टैंक में जा रहा था, तो इस फॉरवर्ड मोशन में टैंक का कनेक्शन क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया हमारा फॉरवर्ड मोशन और दूसरा हो गया हमारा रिटर्न मोशन। और ये दोनों मोशन हम फॉरवर्ड एंड रिटर्न विद द हेल्प ऑफ इस डीसीवी से कर सकते हैं। ये इसकी एक पोजीशन से फॉरवर्ड मोशन होता है, दूसरे पोजीशन से ये होता है रिटर्न मोशन। तो ये हमारा हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो जैसे कि इसका नाम है डबल एक्टिंग एक्चुएटर हाइड्रोलिक सर्किट, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, डबल पोर्ट डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर वैसे ही रहेगा और यहाँ पे इनलेट साइड में भी रहेगा और दूसरे साइड में भी रहेगा। तो यहाँ पे हम ए बोल सकते हैं तो यहाँ पे हम बी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए आपको 2/2 या 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करना है, वैसे ही डबल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए आपको 4/2 या 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल यूज करना है। 2/2, 2/3 ये वॉल्स यहाँ पे नहीं चलेगी। आइए देखते हैं इसका मोशन। तो जैसे कि फ्लो है अभी, तो ये जो है इसकी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल की सेंटर पोजीशन है, तो ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं है और पंप से अगर फ्लो जाता है तो वो आएगा टैंक में। तो यहाँ पे इस पोजिशन में, इस सेंटर पोजिशन में एक्चुएटर कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा।
बाकी जो कंपोनेंट्स है एज इट इज रहेंगे, जैसे रिजर्वायर है, फिल्टर है, पंप है, प्रेशर रिलीफ वॉल है, एज इट इज। सिर्फ कनेक्शन कौन से चेंज हुए हमारे, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल और ये एक्चुएटर। तो आइए देखते हैं इसका फॉरवर्ड मोशन। तो ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये क्या शो कर रही है, इसका फॉरवर्ड मोशन। तो जब फ्लूट यहाँ से पास होते हुए पंप से लेके इस डायरेक्शन वॉल के फर्स्ट पोर्ट में जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा डायरेक्टली डबल एक्टिंग एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में। तो सेकंड साइड क्या रहेगी, ठीक है, सेकंड साइड से क्या होगा, फ्लूड रिटर्न आएगा टू द टैंक। तो ये फॉरवर्ड मोशन होगा, तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशराइज फ्लूड फिल होता है तो ये पिस्टन को मूव करेगा दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड मोशन। तो रिटर्न मोशन में क्या होगा, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, जब फॉरवर्ड मोशन होगा तो आपके ये पोर्ट और ये पोर्ट बंद रहेंगे, सिर्फ ये पोर्ट से फ्लो जाएगा। सेंटर पोजीशन क्लोज रहेगा, तुम बीच वाला पोर्ट एक्टिवेट रहेगा, दोनों पोर्ट्स बंद रहेंगे। और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लीवर विथ स्प्रिंग रिटर्न दिया है, तो आप जैसे ही लीवर को घुमाओगे तो ये स्विच इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रहेगा और सेंटर में रहेगा, तब जाके वो मिडल पोजीशन में रहेगा। तो आइए देखते हैं रिटर्न मोशन कैसे परफॉर्म होगा। तो रिटर्न मोशन की जो लाइन दिख रही है ये क्या है, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन से जो फ्लो जा रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे फ्लो नहीं जाएगा, ये फ्लो जाएगा इस थर्ड पोजीशन में रिटर्न पोर्ट्स में। तो यहाँ से फ्लो जाते हुए ये कहाँ जाएगा, एक्चुएटर के सेकंड साइड में। तो इसको बोलते हैं हम रिटर्न मोशन। तो रिटर्न मोशन में क्या होगा, यहाँ पे फ्लूड फिल होगा तो ये जाएगा, इसको शिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज ए रिवर्स मोशन। तो इस टाइम पे इसका क्या होगा, तो इसका फ्लूड क्या होगा, वापस आएगा बाय दिस एंड टू द टैंक, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो इस तरह से डबल एक्टिंग एक्चुएटर वर्क करता है, फॉरवर्ड रिटर्न एंड सेंटर पोजीशन। अगर आपने 4x2 यूज किया तो यहाँ पे दो ही पोजीशन आएंगे, धिस और धिस, तो ये सेंटर पोजीशन इसमें क्रॉस हो जाएगा। आइए देखते हैं हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ बाय डायरेक्शनल मोटर। तो बाय डायरेक्शनल मोटर में देन अगेन आपको क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या लीनियर मोशन के जगह क्या करना है, रोटेशनल मोशन देना है। वो क्लॉकवाइज भी रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी रहेगा। तो सेम कंपोनेंट आपको यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिजर्वायर, फिल्टर, पंप, देन प्रेशर रिलीफ वॉल, दैट से प्रेशर रेगुलेटर एंड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। यहाँ पे 4x3 यूज किया है, आप 4x2 भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये सेंटर पोजीशन नहीं आएगी, ये पोजीशन आएगी फॉरवर्ड मोशन की और ये दूसरी पोजीशन आएगी रिवर्स मोशन की। तो जैसे ही फ्लो जाता है तो ये फॉरवर्ड मोशन शो हो रहा है, तो ये पंप से ए साइड में जाएगा, तो फ्लो इस डायरेक्शन से मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया, सेकंड साइड का फ्लो टैंक में आएगा, दैट इज ए फॉरवर्ड मोशन। जब रिवर्स लाइन होगी तो फ्लूड कहाँ पे जाएगा, इस सेकंड साइड में जाएगा एंड में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के, और यहाँ से नेक्स्ट टू कनेक्ट करेगा पंप मोटर के सेकंड साइड में, और इस टाइम में आपकी मोटर जो है वो सेकंड डायरेक्शन से रोटेट करेगी। तो इस टाइम में फ्लूड का जो कनेक्शन रहेगा टैंक में वो इस लाइन से पास होते हुए आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ बाय डायरेक्शनल मोटर। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि क्या आपका आउटपुट कौन से डिवाइस से कनेक्ट है। जो आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा उस पर आपका डिपेंड करता है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का सिलेक्शन। असाइनमेंट, नाउ द टाइम इज टू गिव सम असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट इज असाइनमेंट नंबर 24। ऑल ऑफ यू नोट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस असाइनमेंट एंड सॉल्व इन योर क्लास कॉपी एज डिस्क्राइब हाइड्रोलिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ नीड स्केच। डिस्क्राइब हाइड्रोलिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ नीड स्केच। डिस्क्राइब हाइड्रोलिक सर्किट फॉर एयर मोटर विथ नीड स्केच एंड एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ देयर क्वेरी देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर। Unit outcomes achieved by this lecture as construct hydraulic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and air motor. Summary of today's lecture as construct hydraulic circuit of single acting cylinder, double acting cylinder and air motor.
प्रोग्राम आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एस पीओ वन पीओ फोर पीओ सिक्स पीओ सेवन एंड पीओ थ्री मैट टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन. तो नेक्स्ट सेशन में हम हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर स्पीड कंट्रोल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू हाइड्रोलिक सर्किट्स पढ़ेंगे. तो हाइड्रोलिक सर्किट बनाना काफ़ी इजी है, जिसमें आपको बेसिक कंपोनेंट को डिजाइन करना है और अगर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन और क्वेश्चन आपको उसके सर्किट के हिसाब से एक दो एलिमेंट को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.